जिंदगी की किताब है वो पहले से भगवान ने लिख दी है, और तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों में भगवान ने ये लिखा है जैसी तुम्हारी मर्जी। ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया, रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां फोकस कैसे करूं? मोबाइल चलाते हैं आप? बहुत कम। तो ज्यादा क्या करते हैं? मैं पेंटिंग करती हूँ दादा। पेंटिंग तो अच्छा तो है पेंटिंग? हाँ मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छा हो जाए। पढ़ाई कम करते हैं आप? नहीं करती हूँ मैं पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ती, अच्छा पढ़ती हूँ, मैं टॉपर्स में हूँ, बट लेकिन फिर भी मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो मेरा माइंड घूमता रहता है, मतलब पढ़ाई में फोकस ही नहीं हो पा रहा है। देखो गाड़ी चलाना किसके हाथ में है? जोर से, ड्राइवर। ड्राइवर के हाथ में, वो चाहे तो गड्ढे पर गिराए, वो चाहे तो खाई पर गिराए, या वो चाहे तो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाए। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। देखे टैड, धंधा करने वाला 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, हमेशा याद रख, मोहब्बत चाहिए। आप जब संघर्ष करके, जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी ये देख। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, राहे शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे, बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उसे गलती ने कहीं का नहीं छुआ। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तुम मोबाइल यूज हो रहे, सही है गलत। लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? बुराई हमेशा नजरों से प्रवेश करती, नजर बिगड़ी मन बिगड़ा, मन बिगड़ा स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका तो